एक गांव में जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था। उस गांव में एक अफवाह फैल गई थी कि खंडहर में कोई भूतनी है जो गाना भी गाती है, और जिस किसी को भी इस भूतनी का गाना सुनाई देता है वो गायब हो जाता है और भूतनी उसे मार डालती है। एक दिन की बात है, शाम के समय राघव अपनी दोस्त प्रीति के साथ जंगल के रास्ते घर आ रहा था। राघव के बैग में शराब की कुछ बोतलें थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। जैसे ही राघव खंडहर के नजदीक पहुंचा, उसने प्रीति से कहा, यार बहुत थक गया हूं, क्या हम थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लें? पर ये जगह तो बहुत डरावनी है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे अब चला नहीं जाता, अगर तुम्हें जाना तो तुम अकेली चली जाओ। राघव ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उसे पता था कि बहुत अंधेरा है और प्रीति डर के मारे अकेली नहीं जाएगी। ठीक है, बैठ जाते हैं। वो दोनों बैठ गए। राघव ने बैग से शराब की बोतल निकाली और शराब पीने लगा। राघव, तुमने यहाँ भी शुरू कर दी? अरे यार बहुत प्यास लगी है, थोड़ी तो पीने दो। और राघव शराब पीने लगा। धीरे धीरे उस शराब का नशा चढ़ने लगा और वो प्रीति को घूरने लगा। उसके दिमाग में प्रीति को लेकर कुछ और ही चल रहा था। जब उसे नशा हो गया तो वो प्रीति के साथ छेड़खानी करने लगा। प्रीति छोड़ो छोड़ो राघव, ये क्या कर रहे हो तुम? पर राघव मान नहीं रहा था, वो प्रीति के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी उसे एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी जो कि बहुत ही डरावनी, दर्द भरी और भयानक थी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे तुम मेरे संग संग गुनगुनाओगे। ये गाना सुनकर राघव ने प्रीति को छोड़ दिया। उसका तो नशा जैसे गायब ही हो चुका था और वो भी गाना गुनगुनाने लगा और खंडहर के दूसरी तरफ जाने लगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं। जैसे ही राघव दूसरी तरफ गया, उसके सामने एक लड़की थी जिसका चेहरा बहुत डरावना था। तभी उस लड़की ने राघव को पकड़ लिया और उसके गले पर अपने दांत गाड़ दिए। बचाओ बचाओ बचाओ। राघव की आवाज सुनकर प्रीति जब वहां आई और उसने ये सब देखा तो वो डर के मारे वहां से भाग गई। इस भूतनी ने राघव को तो मार ही दिया पर प्रीति के साथ कुछ भी नहीं किया। अब प्रीति भागते भागते अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। माँ माँ, क्या हुआ बेटा, क्या बात है बताओ? माँ, राघव को भूतनी ने मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। इस तरह अब गांव के दो और लोग भी गायब हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये भूतनी आखिर चाहती क्या है, क्योंकि उस रास्ते बहुत से लोग आते जाते थे पर भूतनी किसी किसी को ही अपना शिकार बनाती थी। एक रात खंडहर के पास दो शराबी बैठे शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते उन्हें बहुत नशा चढ़ गया था। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से जा रही है। ये देखकर शराबी उस औरत के साथ छेड़खानी करने लगे। जैसे ही औरत चिल्लाई, बचाओ बचाओ, तभी वो डरावनी आवाज फिर से आने लगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब दोनों शराबियों ने ये गाना सुना
तो वो भी उस गाने को गुनगुनाने लगे। और वो खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो खंडहर के पीछे गए, उन्हें वही लड़की दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस लड़की ने दोनों शराबियों के गले पकड़े और उनको घसीटते हुए वहां से ले गई। जब उस औरत ने ये देखा तो वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। अगले दिन औरत ने ये बात पूरे गांव में बताई तो गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को पकड़ने का फैसला किया। जब रात हो गई तो तांत्रिक और कुछ गांव वाले मिलकर उस खंडर के पास गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात बढ़ती जा रही थी। जब तक मैं हूँ, ये भूतनी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ, मुझे कई सिद्धियाँ प्राप्त हैं। सभी लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया, पर वो भूतनी बाहर नहीं आई। समय बहुत बीत चुका था और आधी रात हो चुकी थी। तब तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। कुछ देर तक जाप करने के बाद सभी लोगों को एक डरावनी और दर्द भरी आवाज में गाना सुनाई देने लगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी सुनोगे गीत मेरे, तुम मेरे संग संग गुनगुनाओगे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सामने एक लड़की दिखाई दी और उसकी आंखों से आंसू के बदले खून टपक रहा था। कौन हो तुम और इस गांव वालों को क्यों सता रही हो? मेरा नाम माया है। इस गांव के एक आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहाँ इस खंडर में भटक रही है। पर उस आदमी को तो तुमने मार डाला, अब क्यों इन भोले भाले गांव वालों को परेशान कर रही हो? मैं किसी भी भोले भाले आदमी को नहीं मारती, मैं सिर्फ उसे ही मारती हूँ जो कि औरतों के साथ बदतमीजी करता है और उनके साथ जबरदस्ती करता है। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बोतल में कैद कर लूंगा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो जो औरत के साथ बदतमीजी करेगा उसे मार डालूंगी मैं। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम कानून का है। पुलिस अपना काम कर रही है। मेरी मौत के बाद मेरा हत्यारा खुलेआम घूमता रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब मैं हर पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी। भूतनी अपनी डरावनी और दर्द भरी आवाज में फिर से गाना गाने लगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी सुनोगे गीत मेरे, तुम मेरे संग संग गुनगुनाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। उसने फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। तांत्रिक के मंत्रों की ताकत से भूतनी तड़पने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। बचाओ, मुझे कैद मत करो, मुझे कैद मत करो। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा, मेरे साथ गलत हुआ है। तांत्रिक मंत्रों का जाप करता रहा और उसने भूतनी को बोतल में कैद कर लिया। तांत्रिक को पता था कि ये भूतनी केवल दोषियों को ही मारती है और ये गलत नहीं कर रही है, इसलिए उसे बोतल में कैद करने के बाद खुद तांत्रिक की आंखों से आंसू टपकने लगे।
वो बोतल में कैद भूतनी से कहने लगा, मुझे मुझे माफ कर दो बहन, मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर फिलहाल मैं मजबूर हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद इस गांव में किसी भी औरत के साथ अत्याचार नहीं होगा। ये सब कहते कहते तांत्रिक की आंखों से आंसू झलक पड़े। आज के बाद ये भूतनी किसी को परेशान नहीं करेगी, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद इस गांव में किसी भी औरत के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी घटना मुझे सुनाई दी तो मैं इसे आजाद कर दूंगा, और फिर हर बार एक आदमी जो औरत के साथ गलत करता है ये उसे मार डालेगी।